सिर्फ 2 दिन बाकी है रिलीज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? First of all, I am really very excited for the film, and today we are here for the premiere, and let's see what happened today. Because the thing is that we all are really very excited because we have worked a lot. We have worked a lot for this film, for the songs, for everything, and today we'll all be here. Like all the star cast, all the people of our film, they all will be here. एंड वी ऑल आर रियली वेरी एक्साइटेड. लेट्स सी कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी कोशिश को कितना पसंद करने वाली है. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. ओके, ऑल आर वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. या सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द मूवी? आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पूजा. वन कैरेक्टर इज वेरी प्रोमिनेंट इन द फिल्म, दैट इज आर्यन कैरेक्टर. ही इज प्लेइंग द कॉफ कैरेक्टर एंड आई एम प्लेइंग हिज सिस्टर्स कैरेक्टर. सो माई कैरेक्टर इज अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, गिगी टाइप ऑफ गर्ल ऑफ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. बट इस कैरेक्टर के अगर दूसरी तरफ हम देखें तो दोनों बहुत अलग अलग आपको पहलू नज़र आएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर बहुत सिंपल है और उसके बिल्कुल अपोजिट है जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ सॉन्ग में, जो एक ड्रीम सीक्वेंस है. सो वो बहुत बोल्ड है और काफ़ी कूल भी है और बहुत इन्जॉय कर रही है, वो अपने आप में ही खुश है. सो वो कैरेक्टर भी आई होप कि सबको पसंद आए. ओके, अपार्ट फ्रॉम ट्रेलर द पीपल आर रियली एंजॉयिंग योर द सॉन्ग्स, या सॉन्ग्स आर गेटिंग अ वेरी ह्यूज रिस्पांस. आपने देखा गाना? ओके, सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट इट? ट्रेलर तो सबको बहुत पसंद आया है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स आर रियली वेरी नाइस. बिकॉज द थिंग इज दैट बिकॉज हमने जितना सॉन्ग्स को बनाने में मेहनत की उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं. तो लाइक 15-20 डेज की वर्कशॉप हमने साथ में किया है. तो वर्कशॉप्स के बाद में जो रिजल्ट, जो आउटपुट निकल कर आया है वो बहुत अच्छा निकल कर आया है. एंड इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी हार्डवर्क किया, काफ़ी चोटें हमको लगी हैं, स्विमिंग नहीं आती थी फिर भी स्विमिंग पूल में सीन्स किए हैं. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिली है फिल्म में, लेकिन फाइनली रिलीज़ हो रही है. स्पेशली लोग गाने बहुत पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ दी है सुनिधि मैम ने, देव नेगी ने. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्पेशली मुझे मिल रहा है, बिकॉज अब तो ऑन एयर भी हो गया है गाना, टीवी स्क्रीन पर भी पूरे इंडिया को नज़र आ रहा है. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद राजपाल यादव, कायना करोड़ा इज आल्सो देयर? या राइट. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सो देयर कैरेक्टर इज लाइक इंडिविजुअल कैरेक्टर, बिकॉज मेरा राजपाल जी के साथ कोई सीन्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बट हम लोग आपस में मिले हैं, बातें भी की हैं, सेट पर भी हम लोग रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करने को मिला. कायनात का जो गाना शूट हुआ है वो भी बाद में हुआ है मेरे आने से, लेकिन वो गाना भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है एंड सब बहुत पसंद कर रहे हैं उस सॉन्ग को. तो हम सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट कावेरी, उसके बाद कैस एंड अनुष्का, हम सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी थी. वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स नाउ. थैंक यू सर. सब कुछ समय ही रह गया है, सिर्फ एक दिन बाकी है मूवी रिलीज में, तो कैसा फील कर रहे हैं पहले तो ये जानना चाहेंगे. बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है, और मतलब दिल में ऐसा भी कुछ हो रहा है कि यार क्या होगा रिजल्ट, लेकिन अच्छा ही होगा ऐसा कॉन्फिडेंस है हमको, और ज़रूर अच्छा लगेगा ऑडियंस को. ओके, रिलीज होने के थोड़े ही दिन बाकी है, और ट्रेलर से लॉन्च होकर अब तक का समय तक आपको कैसा रिस्पांस मिला है? नहीं, अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. और ट्रेलर भी हमारी फिल्म का वो 4 मिलियन के ऊपर क्रॉस हुआ है, और जो कि एक 10 दिन पहले का ही था. अभी तो फिलहाल इतना बिजी हूँ कि देखा नहीं कि कितना गया क्या हुआ है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला, गाने भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है. ओके, ये मूवी 4 मई को रिलीज होने जा रही है, उसके साथ अमिताभ जी की 102 नॉट आउट और राजकुमार राव की उम्र था मूवी भी रिलीज हो रही है. सो डू यू थिंक उसके वजह से आपकी मूवी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी? नहीं नहीं, देखिए अभी कैसा है, उमाटा का ऑडियंस एक अपना ऑडियंस है, तिश्नगी का भी अपना एक ऑडियंस है, और 102 नॉट आउट जो भी है उसका अपना ऑडियंस है, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए. बाकी देखते हैं ऑडियंस है क्या करते हैं. ओके, फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? 4 मई को आ रही है, ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप थिएटर में आइए और तिश्नगी देखिए, आपको एक डिफरेंट टाइप की, डिसेंट टाइप की मूवी देखने को मिलेगी जो आपका पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे. एक्साइटेड पहले तो ये जानना चाहिए. या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो, लिटिल बिट नर्वस हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक दिन बाद मेरी मूवी रिलीज हो रही है थिएटर्स में, बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, आपके कैरेक्टर के पहले जानना चाहिए आप क्या प्ले कर रहे हैं? हाँ, इस मूवी में तिश्नगी में मैं मेघा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो एक बहुत ही चुलबुली लड़की होती है, बहुत नटखटी होती है. जो हमारे एक्टर हैं करण की भूमिका में, वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उनकी स्टोरी उनके साथ ही जाती है, कैसे कैसे उनसे प्यार होता है,
उनकी लव स्टोरी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी है। ओके, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा? रियली हैड ग्रेट एक्सपीरियंस विद माय डायरेक्टर सर समीर खान एंड माय को एक्टर कैस तन्वी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट डेब्यू, मेरी पहली पिक्चर है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया। मुझे खुद में एक प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने किया इतने अच्छे गाने पे, और राहत सर के गाने पे मैंने पहला परफॉर्म किया, मुझे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, फाइनली चार को मूवी रिलीज होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी प्लीज़ आप जाओ मूवी देखने, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ, बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत इंजॉय करोगे, आई होप बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ओके सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ हूँ कि फिल्म आ रही है, और सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ दो दिन बचे हुए हैं और पब्लिक के बीच हम लोग आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ तो अच्छा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ मैं। अभी तक ट्रेलर से लेकर अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों से और आपके फ्रेंड से? देखिए, लोग तो काफ़ी पसंद करे, गाने भी पसंद किए उन्होंने, ट्रेलर को भी बहुत सराहा गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है ट्रेलर को, गाने को, तो मुझे लगता है कि तिशनगी को भी बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। और 4 तारीख को मेरे ख्याल से परसों मैं उम्मीद करता हूँ जनता से कि ये लोग थिएटर में जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, फैमिली के साथ, और खूब सारा एंजॉय करेंगे। ओके, कृष्णगी का मतलब है एक डिज़ायर, सो आपके जिंदगी में क्या डिज़ायर है? देखिए, हर किसी की एक चाहत होती है, एक जुनून होता है, तो मेरे ख्याल से हर किसी की अपनी अपनी तिशनगी है, और तिशनगी जैसे कि गाना आपने सुना होगा मेरे होठों की तिशनगी को तू जा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तिशनगी सिर्फ होठों की, आई एम सॉरी, कि होठों की प्यास के लिए तिशनगी का शब्द यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से तिशनगी एक जुनून है सर, जिसके लिए आप, हर किसी का एक अपना जुनून होता है, एक अपनी लाइफ में एक स्ट्रेटजी होती है, तो मेरे ख्याल से ये तिशनगी कुछ ना कुछ तो सर गुल खिलाएगी इंशाल्लाह। ओके, फाइनली 4 तारीख को मूवी आ गई, लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने एक साइको लवर का कैरेक्टर प्ले किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा, आज की जनरेशन की फिल्म है, आज की कहानी है ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ कपल्स को और यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आएगी फिल्म। थैंक यू। I wish him all the best, the director, like young director Samir Khan and Jayant Ghosh, and wonderful, it's a nice subject because it's so important, like, you know, these days there's so many thrillers happening and all, like it's, I heard that it's a psychotic thriller so please take it in a positive way because it's just not that like negative, but it's just the passion called which is psychotic, so you know, make sure that you don't get scared, it's going to be a super excited exotic thriller movie which I'm so congratulating, and all the best wishes to him, may you have success over like a blockbuster. Thank you so much. Jo kare aap koi bhi kare aap, yeah, I am looking. सर, सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपके सॉन्ग्स को भी बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, तो पहले तो ये जानना चाहिए किस प्रकार के आपको कमेंट्स मिल रहे हैं आपके दर्शकों? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया और हमसे कुछ सवाल किए। अच्छा, रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए कि हमने डेब्यू किया इस फिल्म से, और ये तो हमारे पुराने कलाकार हैं जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि हमने इनसे सीखा और इन्होंने उनके जो क्वालिटीज हैं इनको शो किया, बहुत ही बढ़िया लगा। सर, मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद हमारे डायरेक्टर समीर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, राइटर मंजर वलियावी साहब का, और कैमरा मैन हमारे जो कैमरा दादा हैं पप्पू शेट्टी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ईपी कलीम साहब का, और प्रोड्यूसर जयंत घोष जी का। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब अच्छे लोग कमेंट करते हैं और हमारी चीज़ों को देखते हैं, जो बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद में एक फिल्म तैयार होती है। आप सभी जानते हैं कि राइटर उसे बनाता है, राइट करता है, उसके बाद में डायरेक्टर उसे कई महीने सर्च करने के बाद में फिर भी एक टीम तैयार करता है और फिल्म को कंप्लीट करता है, और जब लोग देखते हैं और अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिलता है, अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो एक कलाकार के लिए उससे बेहतर और क्या चाहिए, और उसके टीम के लिए उससे बेहतर और क्या चाहिए। ओके सर, 4 तारीख की मूवी हिट कर रही है, तो क्या कहना चाहिए दर्शकों?
मैं सबसे पहले तो इसराइल खान आप सभी को ये कहना चाहता है कि आप बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्में आती रहती हैं और सारी फिल्में अच्छी होती हैं, क्योंकि जो निर्देशक होता है वो जब बनाता है तो वो ये सोचकर बनाता है कि हमारी फिल्म सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फिल्म सबसे बेस्ट है, मैं ये कहूँगा कि फिल्म अच्छी है। आप सभी लोग जाइए, देखिए, अपना प्यार दीजिए, अपने आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी गाने हैं बहुत करणप्रिय हैं और हमारे जो सह कलाकार हैं, चाहे वो कैश तन्वी हों, राजपाल यादव साहब हों, या हमारे आर्यन बैज जी हों, चाहे ये हमारा भाई हो, सभी ने बहुत मेहनत किया है। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक अलग तरीके की मूवी आपको देखने मिलेगी, मतलब बहुत सारे साइको के ऊपर फिल्में बनी हैं, जस्ट लाइक कि साइको के ऊपर में आपने शाहरुख खान की फिल्में भी देखी हैं, लेकिन ये जो फिल्म है वो मुख्तलिफ है, थोड़ा सा हटके है। इसका जो साइको है वो बहुत हटके है, कंटेंट वो जो कंटेंट है बहुत अलग है उसका, उसका प्यार करने का सलीका अलग है, उसके बातचीत करने का सलीका अलग है, उसका चलने का तरीका अलग है, और जो कलाकार हैं सारे बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाइए देखिए और अपने फैमिली के साथ जाके देखिए, बहुत साफ़ सुथरा फिल्म है और गाने तो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है और बाकी सारे उम्दा जो सिंगर हैं सभी ने गाया हुआ है। तो पांचों गाने लगभग तो हिट ही कहेंगे आप, क्योंकि बिल्कुल सारे देखिए, फूल बाग में कई तरीके के होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक महक होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक फूल पसंद है तो सबको वही फूल पसंद हो, सबको अलग अलग फूल पसंद होते हैं। तो वैसे सारे जो गाने हैं सब अलग अलग तरीके के हैं, अलग मूड के हैं, उर्दू अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अमूमन तो ऐसा रखा गया कि सबको समझ में आए। हाँ, तो सीन ऐसे हैं कि सारे लोग समझ ही जाएंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं और ऑडियंस को देख करके ये फिल्म बनी है। आप लोग जाइए, इस फिल्म को देखिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग जाइए, देखिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, एक बार ज़रूर जाइए विद फैमिली विद फ्रेंड्स। थैंक यू। हरी, हाँ, एक्चुअली मैं कई सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो अभी मुझे मौका मिला, अच्छी फिल्म है, अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, राजपाल यादव हैं, तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि मैं इसका हिस्सा बन जाऊँ। नहीं, ऐसी कोई मेजर प्रिपरेशन नहीं थी, बाकी बस यही था कि भोपाल की गर्मी में शूट कर रहे थे तो उससे डील करना, और बाकी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे प्रोड्यूसर जयंत घोष, हमारे डायरेक्टर समीर खान, हमारे राइटर मंजर बलियावी, और खासकर म्यूज़िक डायरेक्टर को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, गुफी, उन सब ने इतनी मेहनत की, और मतलब कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक टीम का हिस्सा नहीं हैं, तो बहुत मज़ा आया। कैरेक्टर वही पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि ये मर्डर्स जो फिल्म में हो रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कि जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके, थैंक यू। तृष्णागी का मतलब है प्यास, थर्स्ट, सो आई एम एज थर्स्टी एज एवरीवन एल्स अराउंड, लुकिंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट मैं जैन से बात कर रहा था जिन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म, इस फिल्म का जॉनर क्या है, सो ही डिड हैपन टू मेंशन दैट इट्स अ थ्रिलर एंड स्लाइटली ऑन अ साइको थ्रिलर एज, सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी वेरी एजी फिल्म। तृष्णागी, द इंटायर क्रू, द टीम, द कास्ट, जयंत हिमसेल्फ, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ईच वन ऑफ यू। आई होप तृष्णागी जो है वो हम सब की प्यास जो है वो एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छी साइको थ्रिलर फिल्म की प्यास को बुझाएगी। विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।